विगत दिनों सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के महुआडी बांध स्थित आम के बगीचे में अज्ञात युवक की लाश की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसका सफल उद्भेदन कर खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अज्ञात शव की पहचान बसनही थाना क्षेत्र के मरिया वार्ड नंबर 4 निवासी विजय कुमार सक्सेना के पुत्र हिमांशु कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह बात सामने आई कि मृतक द्वारा सौरभ कुमार के ऊपर पूर्व में जानलेवा हमला किया गया था। उक्त हमले को लेकर पूर्व में बसनही थाना में 15 मई को आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। इसी पुरानी दुश्मनी के कारण हिमांशु कुमार से बदला लेने के लिए सौरभ कुमार ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया। बीस दो 2024 को तकरीबन 8-9 बजे के आसपास सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में सिटानाबाग एक जगह है, वहाँ पे फील्ड्स थे, एग्रीकल्चरल फील्ड्स थे, वहाँ सुनसान जगह था, वहाँ पे एक अज्ञात युवक की बॉडी मिली और बॉडी पे गोलियों के निशान थे एवं स्ट्रगल्स के भी निशान थे। स्टार्टिंग में जब अनुसंधान चालू किया गया तो यह जो बॉडी थी यह अज्ञात थी और हम लोगों ने कोशिश की अगल बगल के लोगों से पूछने की तो उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी क्योंकि कोई इसको जानता नहीं था। फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया एवं अन्य जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके जरिए हम लोगों ने प्रसारित किया इस मामले को और अपनी जो हम लोग इंटेलिजेंस है उसको भी गैदर करना शुरू किया तो यह लड़के के इस लड़के की पहचान हुई। यह लड़का जो है इसका नाम जो मृतक था उसका नाम था हिमांशु कुमार, पिता विजय कुमार और यह बसनही थाना का रहने वाला था, इसीलिए सिमरी बख्तियारपुर में इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। तो इसको चिन्हित करना ही एक चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन जब ये चिन्हित हो गया तो फिर हम लोगों ने आगे इसका टेक्निकल एनालिसिस एवं सूचना संकलन किया और पता चला कि इसकी हत्या कैसे हुई है। तो इसका हत्या करने वाला जो था उसमें एक ग्रुप के द्वारा इसकी हत्या की गई।